यहाँ पे बहुत तगड़ी तबाही मच रही है, सब रैप कर रहे हैं भाई। सब लद्दाख बना हुआ है, बारिश इतनी हुई है ना रात, काम नहीं हो रखा है यहाँ पे। GT अपन चला रहे हैं पहली बार पूरा राइडिंग गियर्स के साथ, आज तक पूरे राइडिंग गियर्स के साथ ही चलाई है। नैनीताल वगैरह गए हूँ अभी छोटा छोटा ट्रिप पे, बट पास में ही है तो मैंने ज़्यादा कुछ पहना नहीं था, सिर्फ ग्लव्स और हेलमेट से चला रहा था भाई। आज जा रहा हूँ पहली बार ग्रुप राइड एंड GT के साथ पूरा राइडिंग गियर्स पहन के, तो भाई कुछ नया सा एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत तगड़ा मज़ा आने वाला है। ब्लॉग पे बने रहिए एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऐप दी। अभी जा रहे हैं भाई हम अपने भाई के पास जो कि है विदु, अपना नया नया दोस्त। अभी करते हैं उसको कॉल और देखते हैं कहाँ पर है वो। हेलो ब्रो, कुमाऊँ पे खड़ा हूँ। आ जाओ। तो भाई अभी आ रहा है मेरा दोस्त, और अभी सुबह के भाई 6:30 हुए हैं, प्लान था 6 बजे का बट एक घंटा पोस्टपोन हुआ है। भाई अपना भाई विदु आ चुका है यार, मेरे को तो ये कुछ मिला ही नहीं, हालांकि पट्टी में दिमाग ख़राब हो गया। अच्छा मेरे पास पूरा फ्लैग पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ मुझे कहीं सेफ्टी पिन मिल जाए ना तो मैं जैकेट पे लगा दूँ। हाँ मैं इस चक्कर में लगाना नहीं चाह रहा हूँ, इसमें रखा है, सोच रहा हूँ क्या ही करूँ मतलब। तो भाई अपना जो भाई था विदु वो आ चुका है, और भाई वो आया मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरी पुरानी बाइक के साथ जो कि मैंने जो सेल आउट कर दी है। हालांकि इसकी खुद भाई रॉयल एनफील्ड की एजेंसी है, मगर फिर भी इसको पता नहीं क्या अच्छी लग रही है भाई। और मतलब शॉकिंग। तो भाई लोग अभी चलते हैं अपन, कोई इन्होंने प्लेस डिसाइड करी है, पेट्रोल पंप है कोई पता नहीं, वहाँ सबका पहले मीटअप होगा, उसके बाद भाई राइड शुरू होगी। तो हम तो एक्साइटेड राइड को लेके अभी चलते हैं भाई फटाफट से। होने वाला सबका मीटअप, ऑलरेडी लोग खड़े हैं भाई यहाँ पर। हेलो भाई, हेलो ब्रो। तो भाई ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं, ये अपनी रॉयल एनफील्ड की बाइक है, विदु भाई कर रहे हैं इसका फोटो शूट, एंड भाई सब आ चुके हैं। बहुत तगड़ा यहाँ भाई ग्रुप बन चुका है। उस टाइम कितने बंदे आने वाले हैं लगभग पूरा उस पे? ऑलमोस्ट 45 के अराउंड है सारे। तो भाई 45 के अराउंड है वो, बहुत तगड़ा भाई ग्रुप बनने वाला है। ये मेरी फर्स्ट ही है ग्रुप राइड, तो भाई सेक्सी होने वाली है फुल राइड। तो अभी भाई बस निकल ही रहे हैं, फोटोशूट चल रहा है थोड़ा सा, फिर चलते हैं भाई आगे। तो भाई लोग अभी सारे बाइकर लाइनअप हो चुके हैं और बहुत तगड़ा सीन होने वाला है यार। पहले मैं भाई फ़ोटो ले लूँ थंबनेल के लिए। इसके साथ परम भैया लाइन एंड कर लो आप इसके साथ। और ये लास्ट परम भैया, और ये लास्ट कर रहे हैं, लीड मैं कर रहा हूँ,
और यहाँ से यार एक बार मैं बता चुका हूँ लेकिन और भी बता दूँ, क्योंकि यहाँ बंस एंड ओवंस के आसपास एक पैच ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है। तो भाई एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आराम से चलाना, वहाँ पे बाइक स्किड होने के 90% चांसेस है और आज बारिश ऐसी हुई है। यहाँ से हम लोग जाएंगे पहले रामनगर, रामनगर से भाई सबको सबको पता है रूट, यहाँ से फिर कालाडोंगी अपना वेन्यू है। चलो फिर लाइन अप करो, चलो भाई एक काम कर ऐबदारी और तू चल लो यहाँ पे सेकंड पे, ठीक है ऐबदारी भाई आप और ये कुणाल चलेगा सेकंड पे, तुम दोनों चलो लास्ट पे। रिंग लाइनर पहने तो यहीं पहन चले हैं, रिंग लाइनर वगैरह ना ना ऐसी इतनी देर नहीं है भैया, पड़ेगी देखा के रास्ते में। चलो भाई चलो तो भाई हो चुकी है राइड अपनी शुरू और भाई पीछे पूरा लोग आ रहे हैं बहुत सही है। भाई अपने सारे बाइकर्स यहाँ आ चुके हैं, अभी बाइक लगाते हैं भाई सबसे पहले उधर। थोड़ा स्लिपरी है मैं गिरूँ ना, बस भाई यहाँ पे लगा रहे हैं सब बाइक। ये देखो तो आ ही रहे हैं, कितने हैं इसके यहाँ
खुद ही पता नहीं लग रहा। अच्छा मैंने भी बात किया था डीएल नंबर दी। हाँ मुझे नहीं पता मेरे यार बार बार साफ को देगा मेरे जान में जाना नहीं होगा। मैंने निकाल दिया मेरे डीएल नंबर मेरे भाई। क्या ही सीन है, मतलब मजा आ रहा है। फिर सारे बाइकर 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 ये लोग कहाँ से आए, ये शायद वहाँ से निकले। साइड नोट हुई है हारने भी है माया बोझा भी है। भाई आप सारे बाइकर्स आ गए हैं, दूसरा ग्रुप भी है, ये कोई दूसरा अलग ग्रुप है। बाइक 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 भाई बहुत सारे बन गए। भाई ये ले जा रहे हैं बहुत तगड़ा पास फ्लैग होस्टिंग के लिए भाई। क्या ही सीन है, और मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे ही होगा। छोटे लोग नहीं उठा सकते भाई इसे। मेरा जिम का प्रदर्शन दिखाएं। जो जिम वाले भाई आगे आ जाएं। सब बाल आ चुका है। जिम वाले आगे आ जाएं। प्लीज। जिम वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा। आप तो काम के नाम पे जिम वाला कोई नहीं दिखेगा। भाई लोग बोलते हैं बन में बात चढ़े नजर आते हैं, मगर मुझे सच में टेढ़ा की नजर आ रहा है। यही टेढ़ा भाई ही है। तो ये भाई ये एक्सट्रीम लेवल का इसको यार ये जिम बॉय हमारा। ये ज्यादा ऊंचा नहीं हो जाएगा ना, ज्यादा गहरा नहीं करना, बड़ा नहीं मतलब गहरा, छोड़ा नहीं करना, गहरा गहरे का मजा अलग है भाई। भाई ये ब्लॉग ब्लॉग में बदतमीजी नहीं भाई, ये नहीं भाई, नो नो डबल मीनिंग ब्लॉग प्लीज प्लीज, ये तो चल कट दिस रिकॉर्डिंग प्लीज, नो बदतमीजी, नो एडल्ट कंटेंट प्लीज यार। एक तो लड़का मेहनत कर रहा, तुम गहरा गहरा क्या कह रहे हो भाई, मेरे गहरे मजा नहीं है। अरे नहीं मैं लगा दूंगा भाई, गहरे में मजा तभी नहीं है डंडा छोटा हो, जब डंडा छोटा हो, डंडा छोटा हो यार ही विल गिव यू तो कोई दिक्कत नहीं है, गहरे और चौड़े से सब सही बात है। क्यों दिस वीडियो इज नॉट फॉर किड्स भाई, बदलवा लेना बात सही है। ये कौन सी है, इंटरसेप्टर भाई, एनडीओ भैया 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 वहां से हट जाओ। अबे यार ये तो दोबारा से हो जा रहा है। भैया इधर ले आओ, भैया रोल इधर ले आओ, भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपना फ्लैग होस्टिंग के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। दो लड्डू एक्स्ट्रा भी हो भाई, मेरे को दो लड्डू एक्स्ट्रा चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए भाई, नुक्ती बूंदी भाई लोग। मैं थोड़ा फूल ले गए भाई बाहर से तोड़ के,
फ्लैग में डालने के लिए। ये देखो फूल विद पत्ता, गहने के नहीं मिले ना रोज मिला भाई, मैं यही उठा के ले आया, सही चीज है। पड़ी और आ रहे हैं, सप्लाई और होगी अभी। हमें पता नहीं चलता राइडिंग बूट्स में कि कौन खड़ा है पीछे, हम लेट उठते हैं। यार इनको थोड़ा सा छितरा कर दो, मतलब तुमने तो गुलदस्ते डाले हैं यार, वो तोड़ दो ऐसे छोटे। मैं अगर बिल्कुल लेके आता ना फूल फूल तो कोई बात नहीं यार, अब काम कर रहे हो तो अच्छे से कांड हो जाता है। भाई अपना फ्लैग बाइक खड़ा हो चुका है, बहुत सही, बहुत मेहनत के बाद। और ये सारी मेहनत कैब वाले भैया की है, अगर ये ना हो तो शायद ही ऐसा हम लगा सकते हैं। सही बात है भाई। अरे भाई यार किसी को थोड़ी शराब आ रही है तो मदद करा दो। ईंटे देखो, ईंटे ले के आते हैं भाई। भाई ये कुणाल गोप्रो पकड़ ले यार, गोप्रो इसका है अगर। भाई आपका नाम क्या है? अमान। अमान 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 गोप्रो स्टार्ट है ये, मैं क्या कह रहा हूँ गोप्रो स्टार्ट है, स्टार्ट है ये अपने भाई, तभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बिना कैमरे के मेहनत नहीं करता हूँ। करो करो करो, हाथ नहीं दिख रहे, और डालेगा क्या कैमरा उसके? ना ना मैं दिखाने जा रहा हूँ भाई, ठोको कैमरे के लिए मेहनत करी है। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं कर रहा है, और ऊपर से 3 फुट प्रो में तो थोड़ा फुट ठीक है। अरे और ठोक दो, ठीक है ठीक है, बस अब चाय करो ठीक है। भाई मैंने बहुत मेहनत करी आज, तभी भाई ये ना यहाँ तक हो पाया, वरना नहीं होता। ये देखो पसीने से पैंट तो नहीं, मगर टी शर्ट जरूर गीली हो चुकी है। क्यों? हाँ ठीक है, तो भाई पहले करते हैं भाई ब्रेकफास्ट। तो भाई लोग अभी होने जा रही है फ्लैग होस्टिंग, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया और भाई अभी सब फोटो शूट लगे हुए, यहाँ बहुत सारे ब्लॉगर 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 बहुत ढेर सारे। तो ये भैया हमारे गाइड हैं, मराठा हिमाचल।
चल रही है पार्टी। तो भाई लोग फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है, नेशनल एंथम भी हो चुका है, अभी आए भाई सब ब्रेकफास्ट करने के लिए। भाई पूरा मतलब राइडर्स हैं और कोई भी नहीं है। तो भाई अभी करते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट, फिर देखते हैं भाई क्या ही सीन है, आगे जाना है या फिर वापस से काशीपुर जाना है, क्या ही करना है। तो हम भाई फोकस है ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि भाई सुबह से 5 बजे से उठाऊँ, अभी तो कुछ खाया नहीं। तो भाई पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर देखते हैं। यहाँ पे बहुत तगड़ी तबाही मच गई है, सब रैप कर रहे हैं भाई। अभी जो है अपना ग्रुप यहीं पे है और एक ग्रुप और है जो दूसरा है। अभी हम तो थोड़ा लेट जाएंगे, देखते हैं यहाँ से आगे कहीं जाना है या वापस से घर चलना है। अभी आने वाला है भाई, क्या भाई अपना फोटो शूट हुआ क्या? सही आ रहा है, स्वागत है भाई आज की राइड में। थैंक यू भाई जो भी आया आज की राइड में ज्वाइन करा, और इसको अभी तक भाई बहुत अच्छे से आप लोगों ने हैंडल करा है। स्पेशल थैंक्स जतिन भैया का जो इतना बढ़िया अरेंजमेंट करा रहे हैं। मैं हूँ काशीपुर से, मैं राइड करता हूँ RR 310 BS6 मॉडल और वीडियो। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा अपने ग्रुप को, तो प्लीज बाइकर बॉयज उत्तराखंड भैया काशीपुर से भाई बाकी राइडर्स भी है वो भी आ जाए यार। भाई मैं चाहता हूँ एक एक करके भाई सारा अपना इंट्रोडक्शन दे इधर से। भाई भाई अमान हुसैन GT650 अरे सारी गिनाओ, एक सारी गिनाओ, RS 200 इग्निटर और CBR 650 स्कूटी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। मनीत तादरीवाल RS 200 को राइड कर रहा हूँ 2016 से। गौरांग चौधरी RR 310 BTO। अनमोल मल्होत्रा वैसे तो पिलियन है, मेरे पे XT 160 है। साकिब एडवेंचर 390। लेट आदमी, लेट आदमी, बहुत बढ़िया, गुड। विधु अग्रिम बत्रा, वैसे मैं बुलेट का शोरूम है अभी। सारी है सारी है, सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, शोरूम मेरा है। किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। ये एडवर्टाइजमेंट था।
स्पॉन्सरशिप नहीं है, आओ आओ बताइए। राहुल अरोरा V3 2019 मॉडल जरूरी है। सूर्यान सिंह रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा 2015। वैभव माथुर डोमिनार राजन राजन बोलो भी मेरा आ गया था। मनोज चौहान मालिक से तो भाई एक बहुत पुरानी सी बाइक है जो मैं आपको दिखा रहा था, यामा की। भाई उसमें क्या साउंड आ रहा है ना, तगड़ा। अभी बाकी तो सब निकल चुके हैं, एक बाइक बेचारी खराब ही होगी, तो अभी मेरा भाई गया लेके आएगा। भाई बहुत तगड़ा उसका साउंड आ रहा है ना, दिखाता हूँ। देखो अभी ये आ रही है भाई, तगड़ा ही सीन है। ओ भाई मतलब क्या ही साउंड आ रहा है, अल्टीमेट मज़ा आ गया। तो भाई अभी यहाँ से प्लान है कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं, उसके बाद में भाई देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। अभी घर जाने का मूड नहीं है, काफ़ी बाइकर्स तो चले गए हैं घर पे, बट कुछ रुके हैं अभी आगे जाने के लिए। मैं भी रुकी गया क्योंकि आज तो भाई छुट्टी है। तो भाई अभी प्लान बनाया, अपन जा रहे हैं हल्द्वानी, हल्द्वानी से आएंगे थोड़ा आगे। कुछ लोग हैं जो भाई जा रहे हैं, कुछ लोग अपने साथ चल रहे हैं ऊपर। और चलो बहरहाल जो चल रहा है ठीक है, अपन चलते हैं। तो भाई अभी है फर्स्ट क्लास रेडी सब, देखते हैं अब क्या ही होगा। भाई अभी सब फ्यूल अप कराएंगे, अपने में तो फुल है, मैंने वहीं से करा लिया था। पूरे बाइक राइडर ग्रुप के साथ भाई बहुत मज़ा आने वाला है अभी आगे की ट्रिप पे, क्योंकि आगे जाके भाई है बहुत सारे टर्न्स एंड पहाड़ एंड ऑल, तो मज़ा आएगा ट्रिप पे। हालांकि ये रास्ता मैंने बहुत बार कराया, मगर भाई एक ग्रुप के साथ जो फील है वो अलग लेवल की होती है, अलग एक्साइटमेंट होती है। और सबके पास भाई बड़ी बाइक भी है, छोटी बाइक भी, तो ऐसा नहीं है कि लग्जरी बाइक्स हैं सिर्फ, या आप कहोगे बहुत ज़्यादा सीसी। ये देखो भाई यामा भी है, ड्यूक भी है, इंटरसेप्टर, मज़ा आने वाला भाई। अभी तो एक स्प्लेंडर भी थी, स्प्लेंडर चली गई है। RR भी है, सभी हैं यार, मज़ेदार वाली चीज़ है। आ गए भाई, राइड हो गई है शुरू, फुल मज़ा फुल इज्जत। भाई यार दिक्कत वाली चीज़ बस ये है कि मेरा मेमोरी कार्ड भाई फिल होने वाला है, बहुत मुश्किल से मैं मेमोरी कार्ड एंड ऑल बचा के रख रहा हूँ, जिससे कोई दिक्कत ना आए। ये फुल हो जाएगा तो पता नहीं ब्लॉग आगे कैसे चलेगा। और मैं रात बिल्कुल भाई भूल गया अपना दूसरा वो लेके आना। मेरे को वो भी लेके आना है, मेमोरी कार्ड्स तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। सब स्पीड अप भाई, सब स्पीड अप कर रहे हैं बहुत तगड़ा भाई, 140 170, और बहुत सही मतलब फील आ रही है यार। ये देखो मैं खुद 120 चला रहा हूँ, तो मैं सबसे पीछे हूँ मैं, जो हालांकि अल्टीमेट लेवल का। सही है,
अभी रुके हैं भाई एक ढाबे पे, बहुत सही सब आ गए हैं, सब अलग अलग हो गए थे स्पीड अप करने के बाद में, अभी सब वापस गैदरिंग कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सब आ ही चुके हैं। बाइक 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 सही है, मतलब आवाज़ इतनी लाउड है ना भाई, कुछ ना ही मुझे खुद भी नहीं आ रही है, बढ़िया है। अब देखते हैं भाई क्या ही सीन होने वाला, आगे अभी जाना है बहुत आगे। तो भाई लोग अभी सब रेडी हो चुके हैं फिर से आगे जाने के लिए, यहाँ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल सब भी है, अभी है सब रेडी, सो लेट्स गो। तो भाई चलते हैं अभी आगे की तरफ, देखते हैं क्या ही सीन है, लाइन से आ रहे हैं अगर हम आए। भाई फाइनली जाम के बाहर आए बड़ी मेहनत के बाद, ओवरटेक में इतनी दिक्कत है ना इसमें। देखभाल के ही करना पड़ेगा भाई, ऐसा तो लग रहा है कि घुस जाएंगे, और ये अजीब सी रोडवेज पता नहीं कहाँ से आ गया हमारे आगे। तो भाई लोग अभी आ गए मड हाउस कैफे, जो कि पड़ता है हल्द्वानी नैनीताल रोड पर, अभी देखते हैं यहाँ कुछ खाते पीते हैं और भाई चलते हैं फिर। वाह कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर। क्या इधर धूप है, इधर सही है भाई, मैं बैठूंगा इधर। ये भाई तेरा मूसू है, विदु भाई का तेरा मूसू, क्या तेरा मूसू जो भी है भाई। तो भाई यहाँ पंगे के पीछे लड़ाई हो रही है बहुत तगड़ी वाली, आइसक्रीम मिसिंग यार, सिर्फ घर जाना है भाई क्योंकि गर्मी इतनी अल्टीमेट वाली है ना, और रश भाई बहुत तगड़ा है 15 अगस्त के दिन, मतलब हमें पूरा जाम मिला। और अभी भाई प्लस फोटो सेशन चल रहा है, ये देखो अमन भाई और ये कुणाल भाई लगे हुए हैं, अभी मैंने इनका बहुत सारा फ़ोटो शूट किया। तो भाई अभी चलते हैं, मिलते हैं किसी नई जगह नए ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही, होप करता हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बाय।